नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं अमेजन जंगल के बारे में। अमेजन जंगल खूबसूरत है और खतरनाक भी है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और जंगलों में घूमना आपको बेहद पसंद है तो अमेजन जंगल के बारे में आप जरूर जानते होंगे। इस जंगल के दो पहलू हैं। पहले पहलू के हिसाब से यह जंगल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ एक बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं और आनंद लेते हैं। वहीं इस जंगल का दूसरा पहलू यह है कि यह जंगल जानलेवा है और खतरनाक भी है, जिस कारण ढेरों सैलानी यहाँ से डरावनी यादें लेकर लौटते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों अमेजन जंगल के बारे में। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे ही प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा ही मिलते रहें। और दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं अमेजन जंगल के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन अमेजन जंगल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह दक्षिणी अमेरिका से लेकर ब्राजील तक फैला हुआ है। इसके वर्षा वन 2.1 मिलियन वर्ग मील तक फैले पड़े हैं। माना जाता है कि अमेजन अगर कोई देश होता तो वह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। आपको बता दें कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन कहा जाता है। यहाँ इतने बड़े और लंबे पेड़ पाए जाते हैं कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। यह पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी मशहूर है और यहाँ दुनिया के 20% ऑक्सीजन बनने का भी दावा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जो 20% ऑक्सीजन है वो अमेजन के जंगल से आती है। यहाँ पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जानवर आदि की ढेरों प्रजातियां पाई जाती हैं। जानलेवा होते हैं यहाँ के मच्छर, खतरनाक और जानलेवा हैं अमेजन के मच्छर। अमेजन में रहना आसान नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यहाँ आपकी हल्की सी चूक खतरनाक साबित हो सकती है। यह जंगल भले ही देखने में बहुत ही शांत और सुहाने लगे लेकिन यहाँ आप बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले मच्छर बहुत ही खतरनाक होते हैं। कई बार तो इनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना मुश्किल ही हो जाता है। मच्छरों की तादाद अमेजन में इतनी ज्यादा है कि उन्हें भगाने वाली दवाई भी कई बार कम नहीं आती। दरअसल मच्छर यहाँ पर अपने साथ मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां लेकर आते हैं। यहाँ पर वातावरण में हमेशा नमी रहती है इसलिए मच्छर से होने वाली बीमारियों के खतरे भी बढ़ जाते हैं। गर्मी की वजह से लोग यहाँ कम से कम कपड़े पहनकर आते हैं। यह मच्छरों को काटने के आमंत्रण जैसा होता है। छोटे मगर जहरीले कीड़ों का आतंक। आंकड़ों की माने तो अमेजन के जंगलों में हजारों कीड़ों और जंतुओं की प्रजाति रहती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके सिर्फ कुछ ही प्रतिशत कीड़े मकोड़ों के बारे में हम और आप जानते होंगे। अमेजन में पाए जाने वाले कीड़े कोई आम कीड़े नहीं होते जिन्हें आप घर में झाड़ू से मार के भगा देते हैं। यह छोटे छोटे से कीड़े बेहद ही खतरनाक होते हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि इनकी चंगुल में अगर आप एक बार फंस जाएं तो बचना मुश्किल हो जाता है। यह एनाकोंडा अपने शिकार को अपनी गिरफ्त में लेकर धीरे धीरे मार डालता है। यहाँ आपको कई नदियां भी देखने को मिलेंगी। इनको जंगल की ही तरह खतरनाक माना जाता है। इसके पीछे वाजिब कारण भी है। असल में इन नदियों में तरह तरह के जहरीले सांप, मछलियां और मगरमच्छों का आवास होता है। इसके अलावा यहाँ खूनी जैगवार भी रहता है। यह एक प्रकार के तेंदुए की प्रजाति का जानवर होता है लेकिन अगर यह भड़क जाए तो अमेजन का सिर बन जाता है। यह बात अलग है कि यह जल्दी से इंसानों पर हमला नहीं करता। मौसम की मार से बचना बेहद जरूरी है। अगर आप अमेजन जंगल में जाते हैं तो मौसम का विशेष ख्याल रखना जरूरी है। अमेजन जंगल में जाने से पहले मौसम का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बारिश का मौसम यहाँ के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। यहाँ पर कब बारिश हो जाए किसी को पता नहीं होता। बारिश थोड़ी हो तो सही रहता है लेकिन अगर यहाँ उम्मीद से ज़्यादा बारिश हो जाए तो मुसीबत का सबब बन सकता है। ज्यादा बारिश से यहाँ पर बाढ़ कभी भी आ सकती है। सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर भारी बारिश में आप फंस जाएं तो शायद ही आपको मदद मिल पाए। यही कारण है कि अमेजन को दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगल होने के साथ साथ सबसे खतरनाक जंगल के रूप में भी जाना जाता है।
पर इसमें दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप यहाँ पूरी तैयारी के साथ और सावधानी के साथ जाते हैं तो यहाँ से खूबसूरत जगह रोमांच के लिए कोई और जगह हो ही नहीं सकती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।